हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे फोर लूप के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको सिंपली फोर लूप कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एरेस को फोर लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको फोर लूप का सिंटैक्स बताता हूं। तो फोर लूप को लिखने के लिए सबसे पहले हम फोर कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद आते हैं ब्रैकेट्स और उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। और ये जो ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके बाद होता है सेमीकॉलन, सेमीकॉलन के बाद कंडीशन और सेमीकॉलन, और उसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मीन्स आप इंक्रीज करना चाहते हैं वैल्यू को या आप डिक्रीज करना चाहते हैं। मीन्स सबसे पहले आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं सिंपली पहले आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा और उसके बाद हम एरेस को इसके साथ प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई, और उसको मैं वैल्यू देता हूँ ज़ीरो। मीन्स जो ज़ीरो है, आई हमारा वेरिएबल हो गया और उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि हमने कंडीशन क्या देनी है। तो मैं लिखता हूँ, ये तब तक चले जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है या 11 है या 20 है, कुछ भी है। मैं यहाँ पे जैसे 20 कर देता हूँ सपोज। ये तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 20 है, और यहाँ पे हम आई को इंक्रीज करेंगे क्योंकि ज़ीरो से लेके हमें 20 तक जाना है, तो इसलिए हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस। सबसे पहले हमने आई एक वेरिएबल बनाया और उसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया ज़ीरो, और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि आई तब तक चलता रहे जब तक वो 20 से कम है, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस लगा के बी आर टैग दे देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो सबसे पहले रिजल्ट प्रिंट करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ज़ीरो से लेके ये 19 तक चलेगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ज़ीरो था, तो इसने सबसे पहले चेक किया ज़ीरो इज़ लेस देन 20, मीन्स ज़ीरो जो 20 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने आई को ज़ीरो प्रिंट कर दिया और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। अब हो गया आई हो गया 1। अब दोबारा यहाँ पे गया आई, और इसने फिर से यहाँ पे गया और आई को चेक किया, आई इज़ लेस देन 20। अब आई 1 था, तो 1 इज़ लेस देन 20, और इसने यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया और उसके बाद इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, और इसी तरह से वो चलता गया। और लास्ट में जब ये हो गया 20, तो 20 इज़ लेस देन 20, 20 इज़ इक्वल टू 20 होता है, लेस देन नहीं होता, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। और मींस इसलिए ये 19 तक ही प्रिंट हुआ क्योंकि 19 20 से छोटा होता है, लेकिन जब 20 आएगा 20 20 के इक्वल होता है, तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप यहाँ पे बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थी सिंपल फोर लूप। अब हम इस फोर लूप की हेल्प से एरे को प्रिंट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम्स नाम का, या स्टूडेंट्स नेम्स नेम्स या जो भी नाम देना चाहते हैं। तो मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स बना लेता हूँ एरे के। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम मैं ऋषभ दे देता हूँ, सेकंड स्टूडेंट का नाम मैं दे देता हूँ कामरान, और थर्ड का नैथन, और मीन्स हम तीन एरेज एलिमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग विंडो में, नेम्स। अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और हम कंसोल विंडो में जाएंगे इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंसोल पे, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये शो कर देगा हमारे पेज पे एक एरे है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, और आप देखेंगे ज़ीरो इंडेक्स पे ऋषभ है, 1 पे कामरान है, 2 पे नैथन है। फ्रेंड्स अगर आपने एरेज़ के बारे में नहीं पढ़ा, आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये इजीली समझ लग जाएगा। अब हमें इसको 1 by 1 एक्सेस करना है फोर लूप की हेल्प से। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि स्टार्टिंग हमें ज़ीरो से ही करनी है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ज़ीरो ही रहेगा। अब मैं इन कमेंट्स को हटा लेता हूँ, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ 4, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ज़ीरो ही था। तो मैंने एक वेरिएबल फिर से आई बनाता हूँ, इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ उसको, स्टार्टिंग पॉइंट था। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए इसकी लेंथ, मीन्स कहाँ तक हमने इसको चलाना है कंडीशन को, क्योंकि पहले हम कर रहे थे आई इज़ लेस देन 10, लेकिन अभी हमें चाहिए एरे की लेंथ। तो एरे की लेंथ फाइंड करने का एक फंक्शन होता है, तो वो होता है नेम्स, मीन्स एरे का नाम डॉट
लेंथ। अभी मेरे को इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा नहीं तो ये एरर रिटर्न करेगा। तो अभी मैं खाली लेंथ चेक करता हूँ एरे की। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया थ्री, तीन एलिमेंट्स हैं एरे के। तो अब हम क्या करेंगे, मैं कमेंट आउट कमेंट्स यहाँ पे हटाता हूँ। अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा आई इज़ लेस देन आई, तब तक चले जब तक एरे की लेंथ तक ना पहुँच जाए। तो ये मीन्स तीन बार चलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको आई को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे को आई को इंक्रीज भी करना है, नहीं तो वो आई हर बार ज़ीरो रहेगा और वी ज़ीरो ही प्रिंट करता जाएगा और इन्फाइनेटली चलेगा और हमारा ब्राउज़र जो है वो क्रैश कर जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हमें इस पर क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले आएगा एरे का नाम। मैं सबसे पहले करता हूँ फिर आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ऋषभ कामरन नैथन, और यहाँ पे मैं प्लस करके बी आर टैग दे देता हूँ। बी आर, मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ऋषभ कामरन नैथन। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया ज़ीरो, और उसके बाद किया कंडीशन लगाई आई इज़ लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। नेम्स डॉट लेंथ में क्या वैल्यू थी, थ्री। मीन्स ये उतने ये वैल्यू कहाँ से आई कि मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं एरे में, जिसको हमने चेक किया था नेम्स डॉट लेंथ से। तो मीन्स यहाँ पे आ गया थ्री, क्योंकि एरे में तीन वैल्यूज़ थी, मीन्स तीन एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे आ गया थ्री। और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले हमने लिखा नेम्स जो एरे का नाम था, और आई सबसे पहले था ज़ीरो, तो इसने चेक किया ज़ीरो इज़ लेस देन थ्री, और यहाँ पे इसने सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो को प्रिंट कर दिया। नेम्स ज़ीरो पे था ऋषभ, तो अभी मैं आपको वो दिखाई देता हूँ। नेम्स ज़ीरो पे था ऋषभ, मैं रिफ्रेश करता हूँ कंसोल विंडो पे, आप देखेंगे ज़ीरो पे था ऋषभ, और उसके बाद इसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, अब हो गया वन। अब ये चेक करेगा वन इज़ लेस देन थ्री एरे की लेंथ से, मीन्स वन इज़ लेस देन थ्री, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये जाएगा नेम्स, नेम्स वन पे क्या था, वन पे था कामरान। इसी तरह से टू, टू इज़ लेस देन थ्री, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, नेम्स टू पे था नैथन। और उसके बाद इसने कर दिया थ्री, थ्री इज़ लेस देन थ्री, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये था फोर लूप के बारे में, और ऐसे हम एरेस को प्रिंट कर सकते हैं फोर लूप की हेल्प से। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।